नेक्स्ट क्वेश्चन दो हज़ार उन्नीस का सवाल है क्वेश्चन सेज टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स सी वन एंड सी टू आर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड शोन इन द फिगर और शोन इन द सर्किट टर्मिनल्स ए एंड बी ऑफ द की आर कनेक्टेड टू चार्ज कैपेसिटर सी वन यूजिंग बैटरी ऑफ ई एम एफ वी वोल्ट नाउ डिसकनेक्टिंग ए एंड बी द टर्मिनल्स ऑफ बी एंड सी आर कनेक्टेड ड्यू टू दिस वॉट विल बी द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी हमारे ऑप्शन है जीरो परसेंट सेवेंटी फाइव फिफ्टी या फिर ट्वेंटी फाइव परसेंट आसान सवाल है अगेन बेसिक कॉन्सर्ट्स पर जाएगा लंबा ही नहीं है सिचुएशन uh, यह है कि हमारे पहले ऐसे सर्किट बना हुआ है यह आपकी एक बैटरी लगी है उससे हम पहले कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं और उसके बाद हमने क्या किया है आफ्टर सम टाइम जब ये फुल चार्ज हो गया स्टडी स्टेट में पहुंच गया इस कैपेसिटर को हमने यहाँ से का हटा के यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और अब हमें बताना है कि इसमें इस पूरे प्रोसेस में अपना आ, कितना लॉस होएगा नाउ ये V है ये C है ये C है अले? अगर हम इसमें इनिशियल एनर्जी की बात करें तो जब ये कैपेसिटर पूरा चार्ज था तो इसकी एनर्जी होगी हाफ़ सी बी स्क्वायर बिकॉज आपका कैपेसिटर अगर V से हम चार्ज करें तो एनर्जी हो जाएगी हाफ सी बी स्क्वायर जब हमने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है उस केस में दोनों का जो चार्ज जो है यहाँ पे इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होएगा कि यहाँ पे वी डैश आपका पोटेंशियल आ जाएगा ना ये जो वी डैश पोटेंशियल आएगा इसकी वैल्यू हम एक बार निकाल लेते हैं यहाँ पे तो यहाँ जो आपका चार्ज पहले था अगर ये हायर पोटेंशियल है तो प्लस सी भी इसके ऊपर चार्ज था माइनस सी बी इसके ऊपर चार्ज था तो यहाँ से अगर हम नोटिस करेंगे तो चार्ज जो है आपका यहाँ से यहाँ फ्लो करके गया है और नेट चार्ज इस पर आपका सेम रहा है सो so, आपका जो इनिशियल चार्ज था क्यू इनिशियल विल बी इक्वल टू क्यू फाइनल क्यू इनिशियल था आपका सी वी क्यू फाइनल होएगा आपका सी वन वी डैश प्लस सी टू वी डैश और यहाँ पे आपका सी वन सी टू बराबर है सो दिस विल बी इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा टू सी वी डैश और इसका मतलब ये हो गया आपका वी डैश जो है वो हो जाएगा वी बाय टू यानी कि इन दोनों के ऊपर अब पोटेंशियल वी बाई टू वी बाई टू हो जाएगा हमें बस अब इसकी फाइनल एनर्जी निकालनी है तो आपकी जो फाइनल एनर्जी आएगी आ, यू फाइनल वो होएगी इसके अंदर एनर्जी होएगी हाफ सी वी डैश का स्क्वायर प्लस हाफ़ सी वी डैश का स्क्वायर राइट वी डैश अपना ऑलरेडी वी बाई टू आ चुका है तो आपकी जो फाइनल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ सी वी बाय टू का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टू सो so, ये वैल्यू आ गई हाफ सी वी स्क्वायर बाय टू है ये बाय फोर होएगा एक टू इससे कैंसिल हुआ है ये करके ये आ गई एनर्जी सो आपकी uh, इसको हम वन बाय फोर लिख लेते हैं है ना सो so, ये हो गई वन बाय फोर सी वी स्क्वायर हमसे सवाल पूछा है कितनी एनर्जी यहाँ पे लॉस होएगी तो बड़ा सिंपल सवाल है लॉस एनर्जी विल बी इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल डिवाइड बाय यू इनिशियल इंटू हंड्रेड सो ये आया वन बाय फोर सी वी स्क्वायर माइनस वन बाय टू सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन बाय टू सी वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड सो इसकी वैल्यू आ गई फिफ्टी परसेंट सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी फिफ्टी परसेंट वुड बी द राइट आंसर यहाँ पर कुछ लोग ये भी सजेस्ट करते हैं दे गिवर्स फार्मूलाइट दे गिवर शॉर्ट ट्रिक और अ फार्मूला जो कि यहाँ पर अप्लाई हो सकती है बट यूजली मैं इस तरह के शॉर्ट ट्रिक जो एक uh, स्पेसिफिक uh, क्वेश्चन के लिए होता है वो uh, हमेशा पढ़ने पढ़ाने से डरता हूँ बिकॉज अगर सवाल में ट्विस्ट आ गया अगर सवाल में कोई और सिचुएशन हो गई तो हमें वो करना नहीं आएगा हम सिर्फ वो फॉर्मूले को लेके बैठे रह जाएंगे बट अगर आपको ये करना आता है कि इनिशियल एनर्जी ऐसे निकालो फाइनल एनर्जी ऐसे निकालो सो so हमेशा हमें राइट आंसर मिल जाएगा सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर